हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। एंड यहाँ पर हम दो तरह की ग्रुपिंग्स के बारे में समझेंगे। वन इज़ द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स और अदर वन इज़ द पैरेलल ग्रुपिंग। सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे सीरीज ग्रुपिंग को, कि सीरीज ग्रुपिंग क्या है और हम किस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचान सकते हैं। सो एज यू ऑल नो दैट दिस इज़ द सिंबल और साइन फॉर दैट रेजिस्टेंस। This is a symbol of that fixed resistance. ये एक fixed resistance का symbol है, और अगर कुछ इस तरह से बना हो तो वो एक variable resistance का symbol है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले series grouping को समझेंगे। So मैं यहाँ पर तीन resistors को consider कर रहा हूँ, तीन resistances को consider कर रहा हूँ, R1, R2, R3। तो मैंने कुछ इस तरह से तीन resistances consider किए हैं, and इनके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस आई अप्लाइड अ डीसी बैटरी। दिस इज अ डीसी बैटरी देयर दैट पॉजिटिव इंडिकेटिंग, दैट लार्जर वन इंडिकेटिंग पॉजिटिव टर्मिनल, स्मॉलर वन नेगेटिव टर्मिनल, एंड वी अप्लाइड दैट डीसी बैटरी अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री रेजिस्टर्स। सो एज यू ऑल नो दैट करंट इज कमिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सो दिस इज द पाथ ऑफ द करंट देयर। सो सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान ये है कि यहाँ पर हर एक रजिस्टर में से सेम करंट फ्लो कर रहा है। सो इसकी पहचान है सेम करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। ईच रेजिस्टेंस ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की आइडेंटिफिकेशन है, और दैट सेम करंट इज पासिंग एंड साथ में हर एक रेजिस्टेंस को एंड टू एंड एक दूसरे के साथ हमने यहाँ पर जोड़ के रखा है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सो अब हम यहाँ पर इसके लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे दैट अगर एक कॉम्बिनेशन सीरीज में है तो वहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है सर्किट का। तो उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन यहाँ पर डिराइव करेंगे। सो वी अप्लाई द ओम्स लॉ ऑन ईच रेजिस्टर। एज यू ऑल नो दैट ओम्स लॉ इज वी इज इक्वल टू IR. So first I apply the Ohm's law across this first resistor there. So it is written as V1 for the first resistor. V1 is equal to I. R1 is the resistance of first resistor. Similarly for the second resistor it is written as IR2. Because in this series combination current is the same through each resistor. Similarly for that third resistor Ohm's law is like V is equal to I. R3. तो हमने अपने तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस ओम्स लॉ अप्लाई किया एंड वी गेट दिस टाइप ऑफ रिलेशंस। और हम ये सब जानते हैं कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस इट इज ड्यू टू द बैटरी वी अप्लाइड। सो वी कैन राइट द इक्वेशन एज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिलेशन और हम लिख लेते हैं। और हमने यहाँ पर इंडिविजुअली V1, V2, V3 के लिए रिलेशंस लिखे हैं, तो हम अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। सो हम यहाँ से I कॉमन ले लेंगे, सो इट इज रिटन एज VI ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। सो वी डिराइव दैट रिलेशन है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा और पहचाना कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है, जिसमें कि हर एक रेजिस्टर एंड टू एंड एक दूसरे के साथ जुड़ा है, और द सेम करंट इज पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर। दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो हमने उसी कॉम्बिनेशन पे ओम्स लॉ लगाते हुए इक्वेशन नंबर 1 को अचीव किया है। नाउ वी नो दैट कि दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हम इस सर्किट को रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट लिखेंगे। अब मैं इसी सर्किट का, जिसे मुझे पता है कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट लिखूंगा। इट मींस आई विल ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे जो कि कुछ इस तरह से होगा। इसके इक्विवेलेंट सर्किट में वही बैटरी है एंड वही करंट है, लेकिन हमने यहाँ पर अलग अलग रेजिस्टेंस ना लेते हुए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लिया, और कहा है कि एक सीरीज
कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आरएस के साथ। आरएस यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, अगेन हम इस सर्किट में, इस इक्विवेलेंट सर्किट पे ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। सो ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ हियर वी गेट वी इज इक्वल टू आई आर एस, बिकॉज इस इक्विवेलेंट सर्किट की रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया है आर एस, सो इट इज रिटन एज इक्वेशन नंबर टू एज वी इज इक्वल टू आई आर एस। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशंस दो हैं इसी सर्किट के लिए और इसी के इक्विवेलेंट सर्किट के लिए, सो वी कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, बोथ हैव द सेम लेफ्ट हैंड साइड, सो वी कैन इक्वेट द राइट हैंड साइड, सो इट इज रिटन एज आई आर एस इज इक्वल टू आई ब्रैकेट आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सो यहाँ से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, सो आर एस की वैल्यू हमारे पास आ रही है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है कि अगर सीरीज में जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, अगर आपसे वहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है, तो आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को सिंपली ऐड करेंगे, जैसा कि हमारे आंसर में है। सो आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दैट सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में। सो दिस इज आंसर फॉर आर एस। सो द पॉइंट टू बी नोटेड हियर, लाइक करंट थ्रू द ईच रेजिस्टर इज सेम and the potential across each resistor is different. Potential across each resistor is different. That potential can be same, but it depends on the condition. If all the resistances are same, then the potential can be same. But it is not always, because if resistances are different, like in this case R1, R2, R3, तो voltage भी सबके across में different आएगा. But अगर R1, R2, R3 का value same है, तो वोल्टेज का जो ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज रेजिस्टर्स, वो सेम आ जाएगा। बट द जनरल और द मेन कंडीशन फॉर दैट सीरीज कॉम्बिनेशन इज दैट देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो देयर एंड थ्रू ईच रेजिस्टर सेम करंट इज फ्लोइंग। सो दिस इज अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सो नाउ वी डिस्कस पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो जैसे हमने ऊपर सीरीज समझा, वैसे ही हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी एक रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। This is parallel combination of resistors. So first of all we draw the circuit, जिसमें कि हम एक parallel combination को draw करेंगे। So dear students, कुछ इस तरह से आपको books में parallel combination of resistors दिखाया होगा। So यहाँ पर again मैं three रेजिस्टेंसेस कंसीडर कर रहा हूँ, इसका नाम है R1 एंड इसका नाम है R2 एंड इसका नाम है R3। एंड अगेन अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन आई अप्लाइड दैट बैटरी, डीसी बैटरी देयर, आई अप्लाई दैट पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V देयर। सो यहाँ पर और ऊपर वाले एक सर्किट में डिफरेंस है, लाइक दिस इज द बैटरी देयर, सो करंट इज कमिंग लाइक दैट। सो मैंने ऊपर वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस R1 लगाया है, सो यहाँ वाले करंट को मैं I1 लिखूंगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि करंट को फ्लो करने के लिए मल्टीपल पाथ है, सो दिस इज I2 एंड दिस इज I3 एंड एट दिस जंक्शन वी आर गेटिंग अगेन कैपिटल I। सो इस तरह का कॉम्बिनेशन जिसमें कि देर आर मल्टीपल पाथ्स, बट वन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट लाइक दिस इज, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक रेजिस्टर जो है वो डायरेक्टली जो है बैटरी के अक्रॉस जुड़ा है, लाइक रेजिस्टेंस आर वन इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए एंड पॉइंट बी डायरेक्टली, इसका एक एंड पॉइंट ए से है, एक एंड पॉइंट बी से है। सिमिलरली रेजिस्टेंस आर टू इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए एंड इसका दूसरा एंड कनेक्टेड टू पॉइंट बी एंड सिमिलरली आर थ्री एज वेल। तो ये सारे के सारे जो रेजिस्टर्स हैं, रेजिस्टेंसेज हैं, ये सभी बैटरी के अक्रॉस डायरेक्टली जुड़े हैं। इट मींस दैट यहाँ पर जो पोटेंशियल है हर एक रजिस्टर के अक्रॉस वो कैपिटल वी है। सो इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज दैट द पोटेंशियल अक्रॉस
potential across each resistance is same. तो ये कुछ इस तरह की बात है. So this is the parallel combination of resistors. So again students, वही बात आ जाती है कि क्या यहाँ branches में current same रहेगा. जब तक आपके resistances different हैं तो obviously यहाँ पर current different रहेंगे. अगर resistances same हो जाते हैं सारे तो यहाँ पर current same हो जाएगा. बट इस सर्किट की पहचान करंट से नहीं है, इस सर्किट की पहचान है कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है अगर वो सेम है तो वो सर्किट एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कहलाता है. इसे समझने के लिए आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस R1, R2, R3 सभी जो है डायरेक्ट पॉइंट ए से जुड़े हैं और वो जाके सीधा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है और दूसरे एंड से सभी सीधे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से. सो यहाँ हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है एंड दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. सो अगेन वी डिराइव दैट रिलेशनशिप फॉर दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो आप यहां देखें बैटरी से आई करंट आया है सो आई आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. सो आई कैन राइट आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. सो ये मुझे यहां से क्लियर कट इक्वेशन एक मिल जाती है. आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. सो नाउ वी अगेन अप्लाई दैट ओम्स लॉ ऑन ईच रेजिस्टर. सो पहले के लिए लिखा जाएगा V इज इक्वल टू I1 R1. सो स्टूडेंट्स यहाँ से हम जो है I1 की वैल्यू निकाल लेंगे. इट इज बेसिकली V अपॉन R1. सिमिलरली हम I2 भी फाइंड आउट कर लेंगे बिकॉज दूसरे के अक्रॉस भी वोल्टेज सेम है. सो इट इज V अपॉन R2 यूजिंग दैट ओम्स लॉ एंड I3 इज इक्वल टू V बाय R3. So this is the relationship according to the Ohm's law for these various currents. Potential is same because this is a parallel combination there. So now we put these values in the equation 1. So we get a relation that is I is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. Students, जिस तरह से हमने पिछले circuit combination को solve किया था उसी तरह से हम इस combination को भी solve करेंगे. सो इसका भी हम एक इक्विवेलेंट सर्किट कंसीडर करेंगे. आई मीन रेजिस्टेंसेस की जगह एक रेजिस्टेंस लेंगे. अब हमें पता चल चुका है कि ये कॉम्बिनेशन एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है. सो लेट RP इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन. हमने यहाँ पर इस बात को सपोज किया. सो इसका रिड्यूस्ड और इक्विवेलेंट सर्किट अब ड्रॉ करेंगे. तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट में इन सभी रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस होगी RP एंड बाकी चीज़ें सेम है दैट बैटरी इज देयर एंड करंट I इज देयर. सो नाउ वी अगेन अप्लाई दैट ओम्स लॉ ऑन दैट इक्विवेलेंट सर्किट एंड कंपेयर विद द सर्किट जिसका ये इक्विवेलेंट सर्किट है. सो V इज इक्वल टू I RP. सो फ्रॉम हेयर वी गेट लाइक I इज इक्वल टू V बाय RP. तो इसे हम अपनी क्वेश्चन थर्ड मान लेते हैं स्टूडेंट्स. सो अगर सेकेंड और थर्ड को हम कंपेयर करेंगे दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है. सो इट इज रिटन एज वी अपॉन RP इज इक्वल टू V को मैं कॉमन ले लूंगा और अंदर रहेगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. सो यहाँ पर V से जो V है वो कैंसिल हो जाएगा and we have 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and similarly up to so on if there are so many resistors present. But now we just consider only 3 resistors there. So our answer is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So after putting the value of resistances, आपको last में इसका उल्टा भी करना है, रेसिप्रोकल भी करना है. बट अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल रहा होगा 1 बाय RP. सो टू गेट द वैल्यू ऑफ RP आपको अपने आंसर का रेसिप्रोकल भी करना होगा. लाइक 1 बाय RP इज 4 बाय 3. सो RP इज इक्वल टू 3 बाय 4 इज द आंसर फॉर दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो ये हमने जो रिलेशनशिप डिराइव किया है दिस इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज एंड जो हमने ऊपर डिराइव किया है दैट इज फॉर द सीरीज. तो सीरीज में आपको जस्ट सिंपल एल्जेब्रिक सम करना है अपने इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का. अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए और अगर वो पैरेलली कनेक्टेड है तो आपको इस रिलेशन का इस्तेमाल करना होगा.
सो आई जस्ट होप आपको ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ आया होगा. विद दैट थैंक यू वेरी मच.